थोड़ा जोर से बोलिए। सन्यासी भी हिंदू धर्म के बोलते हैं, सिख भी अपने को हिंदू धर्म का बोलते हैं। उनको कैसे पूछे कि आपका धर्म शास्त्र कौन सा है? वो सन्यासी अपने को बताते हैं ना, सन्यास धर्म कब से स्थापन हुआ तो वो बतावेंगे ना, कब से स्थापन हुआ, जब से पहला शंकराचार्य आया तब से सन्यास धर्म हुआ। हाँ, आत्मा कंप्लीट कब बनेगी? जब 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा तब 84 जन्मों का 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा और आत्मा त्रेता युग और द्वापर युग की सीढ़ी तेजी से चढ़ना शुरू हो जाएगी। तीव्र गति से पुरुषार्थ होगा, देह अभिमान का आकर्षण खत्म हो जाता है। जैसे एरोप्लेन जब स्पेस से आगे बढ़ता है तो धरणी का आकर्षण खत्म हो जाता है। पोलार माने जहाँ कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल वायुमंडल है और वायुमंडल की भी सीमा है। पृथ्वी गोल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल भी गोल है। जैसे जैसे ऊंचे चढ़ते जाएंगे वायु का दबाव कम होता जाएगा, एकदम ऊपर चले जाएंगे वायुमंडल से परे तो वहां ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। तो एक टाइम ऐसा आता है, एक स्थान ऐसा भी आता है जहां वायु है ही नहीं, तो वायुमंडल से परे चला गया, उसे कहते हैं पोलार, वायु भी नहीं है, आकाश ही आकाश है, वायु तत्व भी नहीं है। बाबा, सन्यासी निवृत्ति मार्ग को मानते हैं, आना जो गृहस्थियों का खाते हैं, हाँ जी, अन्य क्यों ग्रहण करते हैं गृहस्थियों का, उनको नाम रखते हैं ना वो? क्योंकि गृहस्थियों के यहाँ ही तो उनको जन्म लेना है, सन्यासी थोड़े ही जन्म देते हैं बच्चों को, उनको जन्म कहाँ लेना है, गृहस्थियों के यहाँ से जन्म लेना है, इसलिए हिसाब उनका ऐसा ही बना हुआ है कि खाना तो गृहस्थियों से ही लेंगे। और विठल के साथ रुकनी शांत क्यों दिखाई देती है? विठल के साथ रुकनी तो दोनों को शांत दिखाई देती है। विठल के साथ रुकनी देती रुकनी को दोनों को काला शांत सावना सावना दिखाई। उनका नाम ही क्या है? कृष्ण और राधा को शांत। अब विठल तो काले हैं ही, क्योंकि काले में ही निराकार प्रवेश करता है या गोरे में प्रवेश करता है, काले में ही प्रवेश करता है, लेकिन जो फाउंडेशन डालने वाली है, जिसके द्वारा पहला आधार लिया जाता है, वो भी काली धरणी है, उसका नाम ही है रुक्मणी। कितनी काली है? इतनी काली है कि पहले पहले आती है, पहले पहले प्रत्यक्ष होती है,
तो उसे जल्दी संपन्न बनना चाहिए या देर में संपन्न बनना चाहिए? है, पहले आती है तो जल्दी होना चाहिए, लेकिन इतनी काली है निशोत कि वो अंत में भी परिपक्व गोरी नहीं बन पाती, इसलिए उसका नाम है रुक्मणी। मणि बनते बनते रुक गई। तीन नदियां हैं, एक गंगा है, गोरी है या काली है? गोरी है। एक सरस्वती है, वो मध्य की कही जाती है, और एक यमुना है दक्षिण साइड की। यमुना को दक्षिण साइड में क्यों दिखाया है? दक्षिण साइड के धर्म कौन कौन से हैं? जो आसुरी धर्म है वो दक्षिण साइड के हैं। तो यमुना भी ऐसे ही धर्मों की बीज है, जहां दक्षिणी देशों दक्षिणी धर्मों का फाउंडेशन पड़ता है। बाबा जी, एक तालुके में हनुमान जी का टेम्पल है, उस टेम्पल में उसका कलश जो रहता है ना ऊपर का, छत्रदान देते हैं ऊपर हनुमान जी के ऊपर हर साल, वो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्षति नहीं रहता ऊपर। अच्छा, लेंटर का डाक, लेंटर का लोहे का डाल देंगे तो? नहीं, लोहे का डाल देते हैं। लोहे का भी डालते हैं तो भी गिर जाता है? वो देता ही नहीं। उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य ये है कि सतयुग में जो राजा रानी बनते हैं और त्रेता में जो राजा रानी बनते हैं, उन दोनों में ऊपर छत्र छाया किसको दिखाई जाती है? लक्ष्मी नारायण जो गद्दी दिखाते हैं, एक तो गद्दी दिखाते ही नहीं, जब गद्दी नहीं दिखाते तो छत्र छाया भी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? नहीं दिखाते। और राम को छत्र छाया भी दिखाते हैं, गद्दी भी दिखाते हैं। इसका मतलब है कि सतयुग आदि में जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो कौन सी आत्मा है? है? कौन है? अरे सतयुग आदि में, सतयुग में, सतयुग की बात हो रही, संगम की नहीं है। कृष्ण वाली सोल, तो जो कृष्ण वाली सोल है उसके ऊपर छत्र छाया रहती है भगवान की है। जिसके ऊपर छत्र छाया हो रहेगी उसका नाम बाला होगा या नाम डूब जाएगा? नाम बाला होता है। तो ब्रह्मा का मंदिरों में नाम बाला है? मूर्तियां बनती हैं? नहीं बनती। ना मूर्तियां बनती हैं, ना नाम बाला होता है, ना पूजा होती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि छत्र छाया से परे हो जाता है। इसलिए हनुमान का पार्ट किसका है? ब्रह्मा की सोल का, हनुमान का पार्ट है। इसलिए जहां कहीं भी हनुमान के मंदिर बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ऐसा देखा जाता है कि वो छत्र जरूर गिर जाता है। और ब्रह्मा के जीवन काल में ही शिव बाप की छत्र छाया बनी रही या मुकर्रर रथ के रूप में बना रहा है? टेम्पररी रथ रहा, तो छत्र छाया रही या उजड़ गई?
हो जा गई। और जो अंदर वाले सरेंडर्ड हैंड्स हैं उनके लिए जो 16 घंटा की सेवा बताई है, वो 16 घंटे में से 8 घंटा तो वर्तमान जीवन के लिए, और 8 घंटा भविष्य के जीवन बनाने के लिए। तो उसमें क्लास करना या संगठन क्लास करने का टाइम गिनती किया जाएगा या नहीं है? है? भविष्य के लिए गिनती किया जाएगा या वर्तमान जीवन के लिए ही गिनती किया जाएगा? क्लास में आके बैठे और ऐसे ऐसे देखे तो गिनती किया जाएगा है? नहीं गिनती किया जाएगा, लक्ष्य देखा जाता है कि संगठन क्लास में बैठने का लक्ष्य क्या है, मुरली सुनने के लिए, मुरली में ध्यान देने के लिए, याद में बैठने के लिए बुद्धि लगी हुई है या कोई लक्ष्य दूसरा है, उसके ऊपर सारा मदार जाता है। क्लास का संगठन करने का, क्लास का करने का, वो भी भविष्य के लिए जमा होता है, लेकिन उसका भी तौर तरीका बता दिया कि कैसे करना है। प्रश्न आया है, जिन्होंने 63 जन्म श्रेष्ठ कर्म किए हैं वो ही भगवान को पहचानते हैं, तो रुद्रमाला को पापात्माओं की माला क्यों कहा जाता है? भगवान को पहचानते हैं तो भगवान को पहचानने वाले पापात्माएं होने चाहिए या पुण्यात्माएं होने चाहिए? बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? 63 जन्मों में बड़े से बड़ा पुण्य करने वाले विजय माला के मणके हैं या रुद्रमाला के मणके हैं? है? विजय माला के मणके बड़े से बड़ा पुण्य करने वाले हैं, क्यों? उन्होंने अव्यभिचारी वृत्ति को अपनाया है, व्यभिचारी नहीं बने हैं, तो वातावरण सुधारने के निमित्त बने या वातावरण समाज का बिगाड़ने के निमित्त बने? है? सुधारने के निमित्त बने। तो जो वातावरण को सुधारने के निमित्त बने हैं वो ही श्रेष्ठ कर्म करने वाले कहे जाएंगे। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही भगवान मिलता है। भगवान पापात्माओं के लिए आता है, पतितों के लिए आता है या पुण्यात्माओं के लिए आता है? पावन सन्यासियों के लिए आता है, हैं? पतितों के लिए आता है, जबकि दुनिया है ही भ्रष्ट, द्वापर कलयुग की दुनिया है ही गिरी हुई ड्रामा प्लान अनुसार, तो गिरेंगे ही या उठते रहेंगे? विजय माला वाले भी गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? वो भी गिरते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है कि जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए उनको भगवान मिलता है, नहीं। भगवान मिलने का आधार क्या बताया है? अरे भगवान किनको मिलता है? जिन्होंने है? जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है। और भगत ठगत होते हैं या श्रेष्ठ होते हैं? है? भगत बड़े ठगत होते हैं, तो ठगी करना ये श्रेष्ठ काम है या भ्रष्ट काम है? ये तो भ्रष्ट काम हो गया, तो भी भगवान किनको मिलता है? ठगतों को मिल जाता है, जिन्होंने बहुत ठगाई की है।
तो भगवान मिलने का आधार श्रेष्ठ कर्म है या भगवान मिलने का आधार भक्ति है? क्या है? भक्ति श्रेष्ठ कर्म है। विजयमाला वालों को भगवान मिला? पहले मिलता है या बाद में मिलता है? उनको तो बाद में मिलता है। तो क्या कमी आ गई उनकी जो उन्हें बाद में मिलता है? है? हाँ, उन्होंने भक्ति बाद में की। देवियों की पूजा, हनुमान की पूजा, गणेश जी की पूजा कलयुग में खूब करना शुरू कर दिया। द्वापर युग के आदि की जो पूजा है निराकारी स्टेज वाली शिवलिंग की अभिविचारी पूजा, वो शुरुआत में नहीं की होगी उतनी जितनी रुद्रमाला के मण के करते हैं। और बैठ करके याद करना, ये थर्ड क्लास याद हुई, ऐसे बताया गया। तो फिर चलते फिरते सर्च लाइट कैसे देंगे? है? अरे चलते फिरते सर्च लाइट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हैं? दे सकते हैं। अरे चलते फिरते महबूबा को याद किया जा सकता है, महबूब को याद किया जा सकता है, तो भगवान को याद नहीं कर सकते? भगवान के लिए झूठी याद है और देहदारियों के लिए सच्ची याद, ये तो भाई ठीक बात नहीं हुई। ये प्रैक्टिस की बात है, 63 जन्म प्रैक्टिस की है देहधारियों को याद करने की। अभी क्या प्रैक्टिस करनी है? अभी प्रैक्टिस करनी है साकार में निराकार को याद करने की। जो प्रैक्टिस करेंगे वो कर्म करते याद में रह सकेंगे, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? धर्मराज के दूत जमघंट अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के कैसे हैं? उनका काम क्या होता है? है? उनका काम सजाएं देना होता है। सजाएं एक ही प्रकार की देंगे या अलग अलग प्रकार की सजाएं होंगी? जो सजा खाने वाली आत्माएं हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं या अलग अलग धर्मों की होती है? है? सभी धर्मों की आत्माएं जो हैं वो पाप करती हैं, तो उनकी सजाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। और जो जैसे सूली पर फांसी पर चढ़ाने वाला चांडाल होता है, कोई तो रहम दिल भी होता होगा और कोई बहुत ज्यादा कड़ी नजर वाला होता है। जिसको रहम आएगा वो तो खट से मार देगा, जिसको रैम नहीं होगा तो रगड़ रगड़ के मारेगा। जैसे मुसलमान होते हैं जिबा करते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं कि नहीं? मुसलमान भी गोश्त खाते हैं और हिंदू भी बहुत से गोश्त खाते हैं, लेकिन जब जानवर को मारते हैं तो क्या अंतर होता है? मुसलमान कैसा गोश्त पसंद करते हैं? है? हला धीरे धीरे करके छुरी चलाएंगे, जितना ज्यादा उसको दुख मिले
उतना बढ़िया गोश्त बनेगा। और हिंदू हिंदू झट से मार देते हैं, वो झटके का अच्छा समझते हैं। तो रहमदिल हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं? हिंदू होते हैं। तो हिंदुओं को सजा देने वाले जो धर्मराज के दूत होंगे वो थोड़े रहमदिल होंगे या मुसलमानों को सजा देने वाले जैसे ही होंगे? जरूर थोड़े रहमदिल होंगे। तो जैसे जैसे धर्म की आत्मा, जैसी जैसी धारणा वाली जन्म जन्मांतर की, वैसे वैसे उनको सजाएं देने वाले भी मिलते हैं। ये नटसेल क्या होता है? नटसेल, नटसेल माने सारांश में, थोड़े में, कंसाइज कर दो, संक्षेप बना दो, उसको कहते हैं नटसेल। ने पूछा, यादव भाई को जन्म तुरंत मिलेगा या सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ेगा? सूक्ष्म शरीर से किनको भटकना पड़ता है? जिनकी अचानक मौत होती है, अकाले मौत होती है, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। और जिनकी सामान्य मौत होती है और उसका रिजल्ट भी ये होता है कि उन्हें तुरंत आत्मा को सामान्य जन्म मिलता है, इधर शरीर छोड़ा उधर उनका गर्भ महल, गर्भ जेल तैयार रहती है, आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। दूसरा प्रश्न है, जो पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा ये वरदान यादव भाई के परिवार को लागू होगा लौकिक परिवार को लागू होगा या सिर्फ ब्राह्मण परिवार को लागू होगा? है, लौकिक परिवार को भी लागू होगा। है कैसे? जब आवाज निकलेगी सारी दुनिया में तो यादव के परिवार वाले उनके कान में आवाज नहीं पहुंचेगी अखबारों से। हाँ, भले शरीर छोड़ के गए, उनका परिवार कैसा चलेगा? वो भले शरीर छोड़ के चले गए लेकिन उनके घर वालों को अभी उनसे कुछ बहुत लेना देना नहीं, क्योंकि उनके आपस में विचार नहीं मिलते थे। लेकिन जब चारों तरफ दुनिया में आवाज निकलेगी कि उनका पकड़ा हुआ रास्ता ही सच्चा रास्ता था, उन्होंने भगवान को पा लिया और हमने नहीं पाया, तो उनका नजरिया बदल जाएगा या ज्यों का त्यों रह जाएगा उनके प्रति? हाँ, तो वो भी ज्ञान में चल पड़ेंगे। लेकिन बाबा, वो दूसरा शरीर लेगा तो वो दूसरा परिवार होगा ना उनका? उनका होगा परिवार, उनका परिवार हो। तुमने, आपने तो यादव भाई का पूछा ना, वहाँ उनका नाम ही बदल जाएगा। ये इस परिवार से तो कनेक्शन टूट गया ना। आपने यादव भाई के लिए पूछा ना, तो यादव भाई की बात बताई, वहाँ जाकर के वो कोई दूसरे भाई बन जाएंगे? हैं? आप दोबारा चलेंगे तो उनका दूसरा परिवार बन जाएगा, उसका भी कल्याण करेंगे। अव्यक्त वाणी हिंदी भाषा में ही क्यों आती है, दूसरी भाषा में क्यों नहीं आती?
बताओ है जिस तन में प्रवेश करेंगे उस तन की जो भाषा होगी उसी भाषा में बोलेंगे ना, दूसरी भाषा में थोड़े ही बोलेंगे। ये कोई भूत प्रेत आत्मा थोड़े ही प्रवेश करने वाली, प्रवेश करने वाली जो आत्मा है वो भगवान की आत्मा है कि शैतानों की आत्मा है। और भगवान भारत में आवेगा तो भारतीय भाषा बोलेगा या बाहर की भाषा बोलेगा? तो भगवान ब्रह्मा के तन में आता है या प्रजापिता के तन में आता है तो कौन सी भाषा बोलता है? हैं? हिंदी भाषा ही बोलता है। और जिन तनों जिस तन में आता है वो हिंदी भाषा जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो तन हिंदी भाषा वाला होगा तो हिंदी में ही बोलेगा। गुलजार दादी हिंदी भाषा भाषी है या अंग्रेजी बोलती है? उनकी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। बचपन से ही उनकी मातृभाषा हिंदी है। रामायण और महाभारत हुआ नहीं है? अरे रामायण और महाभारत कभी हुआ ही नहीं है? स्थूल में नहीं हुआ है? स्थूल में नहीं हुआ है? हुआ है। हम स्थूल और सूक्ष्म की बात नहीं पूछ रहे। हुआ है तब वो गायन चल रहा है, गीत चल रहा है, कविता बनी है, या हुआ ही नहीं है तब गायन चल रहा है? हुआ है, लेकिन कब हुआ है? उन्होंने तो रामायण को लिख दिया त्रेता युग में हुआ, और महाभारत द्वापर युग में हुआ, वो शास्त्रकारों ने शास्त्रों में लिख दिया। लेकिन क्या वास्तव में द्वापर युग में हुआ या रामायण में हुआ? वो क्या नाम त्रेता युग में हुआ? अगर त्रेता युग में रामायण हुई है तो सवाल पैदा होता है कि भगवान को हर युग में आने की दरकार है क्या? क्यों आएगा हर युग में? मकान जब पुराना होता है, तमो प्रधान होता है, तभी तो नया बनाता है बाप, वो भी बेहद का बाप है, ये भी सृष्टि रूपी मकान है। नई सृष्टि रूपी मकान तभी बनावेगा जब ये सृष्टि रूपी मकान चौथी अवस्था को क्रॉस कर जाए। तो सृष्टि रूपी मकान की चौथी अवस्था कौन सी युग में होती है? कलयुग अंत में ही होती है। तो कलयुग अंत में ही भगवान आता है और राम के शरीर में प्रवेश करता है, उस हीरो के ऊपर रामायण बनी हुई है, लिखा हुआ भी है, बताया, क्लेरिफिकेशन भी दिया। रामायण की सारी कथा किसके ऊपर है? नहीं, रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है। सिर्फ समझाने का खेल चाहिए क्या? भारत के ऊपर क्यों बताई सारी कथा? राम के ऊपर। हाँ, राम वो ही भारत है। भारत माने किसमें रत? ज्ञान की बातों में रत। भा माने रोशनी, रोशनी माने ज्ञान की रोशनी। तो जिसका सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में रत रहा, लगा रहा, वो ही भारत है। भरत की संतान का नाम भारत पड़ा। भरत कहा जाता है विष्णु को। विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? स्पेशल आत्मा कौन है? है विष्णु कौन है? है सिर्फ छोटी मम्मी या और भी उनके संगी साथी है? पांच आत्मा है। हाँ, तो छोटी मम्मी के कहने से यज्ञ के आदि से भी है। यज्ञ के आदि में छोटी मम्मी के साथ तो कौन कौन सहयोगी खास रहे? ब्रह्मा बाबा रहे या नहीं रहे? बड़ी माँ रही या नहीं रही? और सरस्वती माँ
ओम राधे सरस्वती भी रही है ना? रही रही। तो चार आत्माएं जो है विशेष सहयोगी भुजाओं के रूप में बन गई, उन्होंने पालना की। किसकी पालना की? राम वाली आत्मा ने पालना की या भाग गई, चली गई? हैं? शरीर छोड़ गई माने चली गई ना। तो ब्राह्मण परिवार की पालना किसने की, भरण पोषण किसने किया? विष्णु वाली आत्मा, उन्होंने चार भुजाओं ने भरण पोषण किया। तो जिन्होंने भरण पोषण किया उनका नाम भरत पड़ गया। और भरत की संतान कौन हुआ? जो भरत की संतान हुए वो ही भारत कहा गया। भरत की संतान भारत। भारत ने ब्राह्मण परिवार में पालना किससे ली? पालना लेने की मुखिया कौन कौन आत्माएं थी? पालना देने के मुखिया कौन कौन आत्माएं थी? आज से ही ब्राह्मण परिवार में जो अंत तक राम वाली आत्मा को, भारत वाली आत्मा को पालना देने की मुख्य रूप में रही। अरे ब्रह्मा सरस्वती छोटी मां बड़ी मां, इन्होंने पालना दी या नहीं दी? दी। सरस्वती ने कहा है? सरस्वती ने कहा दी। अच्छा, छोटी मम्मी जो जो छोटी मम्मी आई है वो पालना नहीं ली उन्होंने? छोटी मम्मी त्रेता में राम नहीं बनेगी? है बने? तो ये रामायण की बात हुई कि रामायण कोई त्रेता युग में नहीं हुई है। रामायण की जो कहानी है वो कहां की है? रावण कहां हुआ? त्रेता युग में रावण होता है क्या? रुलाने वाला कोई होता है? रावण का अर्थ ही नहीं लगता त्रेता युग में। एक तरफ राम का राज्य कितना ऊंचा गाया हुआ है और फिर दूसरी तरफ रावण राज्य बता दिया। जो त्रेता युग का महाराजा राजा कहा जाता है उसकी घरवाली ही चोरी हो गई तो और दूसरों का क्या ठिकाना रहा? दूसरों की कोई सुरक्षा की गारंटी है? कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं। ये झूठी बातें हैं। ये रामायण की कथा कहानी कहां की है? ये कलयुग के अंत और सत्ययुग के आदि में जब भगवान बाप आते हैं उस समय की ये कथा कहानी है। उस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य होता है। सारी दुनिया के चारों ओर सागर ही सागर है, जैसे लंका के चारों ओर सागर दिखाते हैं। सारी लंका में रावण का राज्य है। अभी राम का राज्य है या रावण का राज्य है? रावण का राज्य। कृष्ण का राज्य है? कृष्ण का राज्य। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का राज्य ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर ही नहीं चल रहा है? चल रहा है? नहीं चल रहा है? राम वाली आत्मा का राज्य जो जन्म जन्मांतर की संगनी आत्मा है उनके ऊपर चल रहा है? हैं? उनके ऊपर ही नहीं चल रहा है? तो न राम राज्य है न कृष्ण राज्य है, राज्य किसका है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही रावण का राज्य चल रहा है। तो बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। अरे रावण का राज्य 100% कलयुग के अंत में कहेंगे या 14 कला संपन्न त्रेता में कहेंगे? कलयुग के अंत में ही कहेंगे। तो रामायण की कथा त्रेता युग की है, ये बात झूठी है। और महाभारत द्वापर युग में हुआ, ये भी बात झूठी है। क्योंकि भगवान आवेगा द्वापर के अंत में, महाभारत युद्ध करावेगा, तो नई दुनिया बनाने के लिए भगवान आता है या पाप की दुनिया बनाने के लिए आता है? हैं? नई दुनिया सत्य प्रधान सतयुग बनाने के लिए भगवान आता है।
भगवान सत्य है तो सत्ययुग ही बना देगा। रावण झूठा है, 10 मुख से बातें करता है तो झूठ खंड ही बनाता है। तो द्वापर में भगवान नहीं आता, भगवान तो कलयुग के अंत में आता है और कलयुग को खलास करके, झूठ युग को, झूठ खंड को खलास करके सत्य युग बनाता है, सच खंड बनाता है। तो कहां की कथाएं हैं दोनों? ये संगम युग में ही रामायण हुई है और संगम युग में ही महाभारत हुआ है और संगम युग में ही शास्त्रों में प्रसिद्ध देवासुर संग्राम हुआ है। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो रही है, उस शूटिंग में चेहरे तैयार हो रहे हैं, कौन राक्षस राक्षसियां हैं दूसरों को दुख देने वाले और कौन सहन करने वाले देवी देवताएं हैं, वो चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं, शूटिंग हो रही है। खोल खोल के ही दे दिया करो, खोलने में टाइम लगता है। रुद्रमाला 108 की है, उसमें नौ प्रकार के रुद्राक्ष के मणके हैं, 12-12 के ग्रुप में। तो उस रुद्रमाला में सब सूर्यवंशी हैं या नंबरवार सूर्यवंशी बनेंगे? बारह बारह के नौ ग्रुप हैं तो ब्राह्मण जो होते हैं ब्रह्मा की संतान वो नौ कुरी के माने गए हैं, ये एक ही कुरी के होते हैं, नौ कुरी के ब्राह्मण होते हैं। नौ कुरी एक दूसरे से श्रेष्ठ होती हैं, एक दूसरे से नीच भी होती है। ऊंच ते ऊंच है सूर्यवंश, तो जो ऊंच कुरी वाले होंगे वो पहले सूर्यवंश में आवेंगे या नीची कुरी वाले पहले सूर्यवंश में आ जावेंगे? ऊंची कुरी वाले पहले सूर्यवंश में आ जावेंगे। बाद वाले नंबरवार हैं, परसेंटेज में कहे जावेंगे। तो रुद्रमाला 108 की तो है, नौ धर्म की आत्माएं तो हैं, जो जल्दी सूर्यवंश के बन जावेंगे वो द्वापर कलयुग में जाके पहले कन्वर्ट होंगे या बाद में कन्वर्ट होंगे? बाद में कन्वर्ट होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो एक दो जन्म से कन्वर्ट हुए हैं, नीचे गिरे हैं, वो जल्दी चेंज होंगे या द्वापर के आद से ही कन्वर्ट हो गए थे वो जल्दी चेंज हो जाएंगे?
है? है? कौन जो बाद में नीचे गिरे हैं वो जल्दी चेंज हो जाते हैं। हाँ, जो अभी एक दो चार जन्म से ही कन्वर्ट हुए हैं वो जल्दी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर संग का रंग कम लगा है। और जो द्वापर की आदि से ही कन्वर्ट हो गए थे वो तो लंबे समय का उन्होंने संग का रंग लिया है दूसरे दूसरे धर्मों का, तो छिलका मोटा हो गया या पतला है? मोटा छिलका हो गया, और धर्मों का देह अभिमान का, इसलिए उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। कितना भी समझाओ मानते ही नहीं। जैसे तत्ता तवा, गर्म तवा बहुत होता है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें डालते जाओ दर दर, ऐसे ऐसे छप्पे मारते जाओ, क्या होता जाएगा? सारा गर्म होकर के उड़ जाता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान जल की बूंदें, कितना ज्ञान मिलता है, सारा गर्म तवे की मुआफिक उड़ जाता है। जैसे कि गांठ बांध रखी हो सुधरेंगे ही नहीं, अब भगवान आया हुआ है पकड़ लिया है गले से, तो सुधरना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? पड़ेगा। भगवान बाप ने सरेंडर किया है या झूठे आदमी ने सरेंडर किया है? भगवान ने पकड़ा है, भगवान ने सरेंडर किया है, तो भगवान ज्यादा सर्वशक्तिवान है या माया की जीत हो जाएगी आखिर में? आखिर में तो भगवान की जीत होगी। तुम कितना भी माया की तरफदारी लेते रहो, सुनंती कथंती भागंती होते रहो, फिर भी क्या करेगा? जैसे बिल्ली है ना, चूहे को पकड़ लेती है, चूहा फड़फड़ा के निकल जाता है, इधर उधर कहीं बिल में घुस जाए, इधर उधर कहीं छुप जाता है, तो बिल्ली क्या छोड़ देगी? छोड़ती नहीं है, ढूंढती रहती है, पंजों से खोदती रहती है। तो ऐसे ही है, बाप ने जिन बच्चों को पकड़ लिया उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये तो विदेशी आत्माएं होती हैं, विधर्मी जो पकड़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हैं? बाप छोड़ने वाला नहीं है जी। विजय माला भी 108 की है, उसमें भी 9 धर्म के हैं। नहीं, विजय माला में 9 धर्म के होंगे या 8 धर्मों के होंगे? हैं? अरे सूर्यवंशी तो पहले ही चले गए थे। विजय माला में जो आएंगे वो विजय माला के मणकों में सूर्यवंशी हैं? सूर्यवंशी होते तो यहां आ जाते ना, सूर्य के नीचे, सूर्य की छत्र छाया में कहां बैठे हुए हैं? वो तो अभी भी चंद्रमा की छत्र छाया में बैठे हैं। तो विजय माला में 9 धर्मों की नहीं है, कितने धर्मों की है? 8 धर्मों की है। कौन कौन से 8 धर्म? नहीं, सूर्यवंशी मुख्य को तो छोड़ दिया पहले ही, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, नहीं मुस्लिम, सिख, आर्य समाज तो नास्तिक, नास्तिक बनाता है प्रजा के ऊपर, प्रजा का राज्य स्थापन करने वाला है या राजा ही को पसंद करने वाला है? उनको अभी राजाई मिली हुई है इस दुनिया में या भगवान की राजाई पसंद करेंगे? आर्य समाजियों को तो राजाई मिली हुई है, ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं, कलेक्टर मिनिस्टर बने बैठे हैं, वो भगवान की बात सुनेंगे अभी? नहीं सुनते हैं, वो सुनेंगे ही नहीं, वो आधे नास्तिक हैं। जो नास्तिक धर्म के हैं वो भगवान से प्राप्ति नहीं करते।
तो सवाल है कि अगर विजयमाला में 108 धर्म के नहीं होते हैं, 108 आत्माएं नहीं होती हैं, सूर्यवंशी उसमें नहीं है, तो फिर 108 कैसे होंगे? है? अरे ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो हैं, वो सब भावना वाली हैं, ये बुद्धिवादी है, जो भावना वाली आत्माएं होती हैं, वो दिल वाली होती हैं या दिमाग वाली होती हैं? है? दिल वाली है, भावना वाली है। तो जो भावना वाली आत्माएं हैं वो ही विजयमाला में आती है। बुद्धिमान आत्माएं नहीं है उनमें, बुद्धि का अहंकार रखने वाले नहीं है। बाबा ये जोड़े का चक्कर बहुत चल रहा है। छोटी माँ के लिए बोला है कि जन्म जन्म लग रगर हमारी बरों संबोधन रहूं कुमारी। छोटी माँ एक से ही नाता जोड़ती है, लेकिन जब वो राजा बनती है, त्रेता में राजा बनेगी कि नहीं? पहले जन्म में राजा बनती है तब वो क्या एक ही रानी रखती है या नहीं? अरे त्रेता में तो एक रानी होती ही है, दो रानियों का तो वहां सवाल ही नहीं। लेकिन द्वापर युग में भी अगर वो राजा बनेगी तो व्यभिचारी राजा बनेगी या अव्यभिचारी राजा बनेगी? है, अव्यभिचारी राजा ही बनेगी। राजा दुर्गादास तो बहुत प्रसिद्ध है, मुसलमानों को करारी हार दी, मुसलमान अपने साथ सेना में हरम में बेग में रख करके लड़ाई लड़ते हैं, उनकी सारी हरम कब्जे में आ गई, एक से एक सुंदर बेग में। फिर राजा दुर्गादास ने क्या किया, सब बेगमों को उनके घर पहुंचा दिया। तो व्यभिचारी राजा था या अव्यभिचारी था? अव्यभिचारी था। बाबा ने बोला है जिनको ब्रह्मा भोजन न मिले वो आत्माएं देवता पद पा न सके। ऐसे बोला है? नहीं बोला। हाँ, हाँ ये बोला है कि देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में पक्के पक्के देवात्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली सहनशील आत्माएं कौन है? ब्रह्मा जैसी आत्माएं हैं। उन्होंने जितना सहन किया यज्ञ में उतना तो और किसी ने नहीं किया, तो सहन करने वाली आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी बन गई है। अभी ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है या नहीं चल रहा है? मुकर्रर ब्रह्मा यज्ञ में है अथवा नहीं है? है, है? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा भोजन भी, ब्रह्मा भोजन भी। ब्रह्मा भोजन किसे कहा जाता है? है, बेसिक में जो ब्रह्मा भोजन बनता है वो ब्रह्मा की कमाई से बनता है या और सेठ साहूकार इकट्ठा करके देते हैं उससे बनता है? है, गुरुवार को भी भोग लगता है तो क्या करते हैं? भीख मांगते हैं, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। उसे भीख मांगा हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन कहा जाएगा? ब्रह्मा भोजन फिर कौन सा हुआ? है, ब्रह्मा की ही कमाई हो, ब्रह्मा के ही भंडारे से निकले, ब्रह्मा को किसी से मांगना ना पड़े। बल देने वाले देते हैं लेकिन
मांग के लेने की बात नहीं है, पूर्व जन्म का उनका हिसाब किताब है देने का, तो अपने आप देते हैं। तो वो ब्रह्मा भोजन हुआ या भीख मांग के लाया हुआ, भीख मांग करके इकट्ठा किया हुआ, वो ब्रह्मा भोजन हुआ। आज तो ब्रह्मा भोजन की पोल पट्टी ही सारी खोल दी। ब्रह्मा भोजन से प्यार करने वाले और न करने वाले यहां भी बैठे हुए हैं। कोई कोई तो बिना खाए ही चले जाते हैं, कोई कोई खाते हैं बस एक दो कौर खाया और छोड़ के भी चले जाते हैं, ढेर का ढेर छोड़ देते हैं। वो नॉन सरेंडर की बात छोड़ो, सरेंडर हैंड्स में भी ऐसे हैं, अपने लिए बनाएंगे नमक मिर्च मसालेदार अच्छा सा छौंक लगा के। ब्रह्मा भोजन में जो सब्जी और दाल बनेगी उसको ऐसे ही पल पला डाल दिया पानी, खाओ बेटा। तो पहले ही दे दिया है, दोबारा क्यों लिखा? बाबा एक तरफ कहते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे वो बाप को जल्दी पहचानेंगे, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि रुद्रमाला के मन के पापात्मा हैं, तो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं क्या? इसका जवाब नहीं दे दिया अभी, तो दोबारा क्यों लिख दिया? किसी दूसरे ने लिख के दे दिया क्या? नहीं नहीं, ये हैंड राइटिंग तो अलग अलग है। एक आदमी डबल क्यों लिखेगा? अच्छा, संकल्पों की लहर सेम चल रही है। अच्छा, बाबा एक वार्ता में आपने कहा कि विदेशी लोग देखने में तो मोटे ताजे अट्टे कट्टे होते हैं, परंतु उनमें आत्मिक स्थिति की पावर कम है। क्या कहेंगे, आत्मिक स्थिति की पावर कम होती है या जास्ती होती है? हैं? क्या कहेंगे? हैं? हाँ, कम जन्म लेते हैं तो आत्मा ज्यादा पावरफुल हुई या ज्यादा पावर कम पावरफुल हुई? लेकिन उन्होंने दलील दी है कि कम पावरफुल है तो बाप को जल्दी कैसे पहचान लेते हैं? हाँ, तो ज्यादा पावरफुल है आत्मा या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है, कभी कहते कम पावरफुल है। हाँ, आत्मा ज्यादा पतित नहीं बनती है, आत्मा ज्यादा पावन नहीं बनती है, लेकिन एक सिफ्ट तो है, बाप को जल्दी पहचान लेते हैं। हाँ, अब जल्दी तो पहचान लेते हैं, लेकिन पूरा 100% पहचान लेते हैं या नीम मकी में खतरे जान है क्या? अधूरा पहचानते हैं, अधूरा पहचानते हैं। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि उनमें आत्मिक पावर ज्यादा है, बौद्धिक पावर ज्यादा है, हैं? हाँ जी, कुक्कड़ ज्ञानी है, दूसरों को जगाने की ताकत तो है, लेकिन खुद स्थायी नहीं रह पाते, सो जाते हैं। खुद ज्ञान में चलेंगे, सरेंडर भी हो जाएंगे, दूसरों को भी चला देंगे,
फिर सुनंती कथंती भागंती।